इस वक्त की बड़ी खबर आप हापुड़ से देख रहे हो, जहां हापुड़ में बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। सरकार बदमाशों पर इतनी लगाम लगाने के बावजूद भी हापुड़ में बोनी नजर आ रही है। दरअसल हापुड़ जिला न्यायालय पर पेशी के लिए आए अपराधी पर बदमाशों ने फायरिंग की है। गोली लगने से अपराधी घायल हुआ है। उपचार के लिए पुलिस ने घायलों को हॉस्पिटल में एडमिट कराया है, जिसमें गोली मारकर मौके से बदमाश फरार हो गए। गोली लगने से बदमाश की मौके पर मौत हुई है। बदमाशों ने 4 से 5 राउंड गोली से भूना है पेशी पर आए हुए बदमाश को। दरअसल पलवल हरियाणा से पेशी के लिए हापुड़ लाया गया था मृतक बदमाश। हम आपको बताते चले इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के हापुड़ से देख रहे हो, जहां बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। बदमाशों ने पेशी के लिए आए हुए बदमाश को गोलियों से भूंज दिया है, जिसकी मौके पर मौत हुई है। वहीं पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन में लगी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आप उत्तर प्रदेश के हापुड़ से देख रहे हो, जहां एक बदमाश पेशी के लिए आए हुए बदमाश पर बदमाशों ने फायरिंग की, जिसमें 4 से 5 राउंड फायरिंग हुई, जिसमें उस बदमाश की मौके पर मौत हुई है। आपको बताना चाहेंगे कि जनपद हापुड़ में बदमाशों का कहर आए दिन देखने को मिलता है। इसी कड़ी में आज दिन दहाड़े बदमाशों ने पलवल से आए पेशी पर एक बदमाश को दिन दहाड़े मौत के घाट उतार दिया है, जिसको कम 5 से 6 राउंड गोलियों से भून डाला, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई है। पुलिस जांच में जुटी है, लेकिन अभी तक इसमें कोई भी अपराधी हाथ नहीं आया है, क्योंकि वह मौके से गोली मारकर फरार हो गए थे। और इस पूरे कड़ी में एक पुलिसकर्मी को भी गोली लगी है, जिसको उपचार के लिए हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है, लेकिन अभी उसकी स्थिति भी स्थिर नहीं है, क्योंकि सारा वाक्या वही बता पाएंगे कि क्या था और कौन वह लोग थे जिन्होंने उस बदमाश को मौत के घाट उतारा है। कि अभी इंतजार है कि वह पुलिसकर्मी होश में आए और उनसे जाकर जांच के लिए पूछताछ की जाएगी।